ये मेरी बेइज्जती करवाने के लिए तुमने लाइव सेशन रखा था? मुझे नहीं पता था कि रिजवान इस हद तक गिर जाएगा तुम्हारा लाइव सेशन खराब करने के लिए। अभिमन्यु तो फिर से हार गए मिस्टर राजदान, और आज अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो इसका मतलब होगा कि रिजवान खान ने एक बार फिर अभिमन्यु राजदान को हरा दिया, और डरपोक तुम कहलाओगे कि बिना अपनी लड़ाई लड़े ही हार मान गए। शो डियर इश्क में आया बेहद इंटरेस्टिंग मोड़, जहां अभिमन्यु ऑफिस से गुस्से में बाहर जा रहा होता है, तभी माया अभिमन्यु को रोकती है। ये मेरी बेइज्जती करवाने के लिए तुमने लाइव सेशन रखा था? मुझे नहीं पता था कि रिजवान इस हद तक गिर जाएगा तुम्हारा लाइव सेशन खराब करने के लिए। अभिमन्यु तो फिर से हार गए मिस्टर राजदान, और आज अगर तुम यहाँ से चले गए तो इसका मतलब होगा कि रिजवान खान ने एक बार फिर अभिमन्यु राजदान को हरा दिया, और डरपोक तुम कहलाओगे कि बिना अपनी लड़ाई लड़े ही हार मान गए। जिसके बाद अभिमन्यु गुस्से में माया से कहता है कि तुमने मेरा सोशल मीडिया पर बेइज्जती कराने के लिए लाइव सेशन शेड किया था। अभिमन्यु की ये बातें सुनकर माया बोलती है कि जस्ट प्लीज काम डाउन, मुझे नहीं पता था कि रिजवान इस हद तक गिर जाएगा लाइव सेशन खराब करने के लिए। माया अभिमन्यु से कहती है कि विल डू समथिंग, और हम अपने व्यूअर्स को वापस लाने के लिए मेहनत करेंगे। माया की बातें सुनकर अभिमन्यु को आता है गुस्सा, और वो माया से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं सोशल मीडिया पर अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता, और अभिमन्यु वहां से जाने लगता है। अभिमन्यु तो फिर से हार गए मिस्टर राजदान। तभी पीछे से अस्मिता आती है और वो अभिमन्यु से कहती है कि अब तुम फिर से हार गए अभिमन्यु। ये सुनकर अभिमन्यु चौंक जाता है और पीछे पलट कर देखता है। अस्मिता अभिमन्यु को समझाने की करती है कोशिश, ये कहते हुए कि ये इवेंट तुम्हारा था, माया का नहीं, लोग तुम्हें देखने आए थे, माया को नहीं। और आज अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो इसका मतलब होगा कि रिजवान खान ने एक बार फिर अभिमन्यु राजदान को हरा दिया, और डरपोक तुम कहलाओगे कि बिना अपनी लड़ाई लड़े ही हार मान गए। और फिर अस्मिता अभिमन्यु को समझाती है कि रिजवान यही चाहता है कि लोग यही समझें कि रिजवान ने अभिमन्यु को फिर से हरा दिया। तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि रिजवान ने अभिमन्यु को हरा दिया और तुम डरपोक कहलाओगे, और आई थिंक इसमें ज्यादा बेइज्जती है। तो फिर से हार गए मिस्टर राजदान, और आज अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो इसका मतलब होगा कि रिजवान खान ने एक बार फिर अभिमन्यु राजदान को हरा दिया, और डरपोक तुम कहलाओगे कि बिना अपनी लड़ाई लड़े ही हार मान गए। अभिमन्यु अस्मिता की बात सुनकर उसे लुक देता है, और शायद अभिमन्यु को अस्मिता की बात पहली बार सही लगती है, और वो अस्मिता की बात से सहमत नजर आता है। क्या हो गया था अचानक से गुस्से से बाहर जा रहे हैं ऑफिस से? बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। अभिमन्यु का ईगो इतना बड़ा है कि अगर उसे कोई ऐसे भी कर ले तो भी वो गुस्से से लाल हो जाते हैं, तो अगर जो इंटरनेट पे उनकी थोड़ी बेइज्जती हुई है उस तो हमें पता नहीं था रिजवान की ये प्लान था ये मेरे साथ ऐसा गेम खेलने का, तो मैं गुस्सा हो गया हूँ। बट फाइनली अस्मिता मुझे समझाती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कि ये बात तो सही कर रही है लड़की, तो समवेयर आई थिंक आई गेट कन्विंस्ड। हाँ हाँ, बट वॉट एवर शी इज टॉकिंग इज डज मेक सेंस टू अभिमन्यु ऑल्सो टू पेपरिंग ऑल्सो। वेल, अब शो में आए इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।